वेलकम बैक टू आवर चैनल फैट मेघना। तो आज एक हॉल वीडियो में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। वेल ये हॉल पर्टिकुलरली मिंत्रा से नहीं है, पर्टिकुलरली नायका से भी नहीं है, दोनों को मिला जुला के है। सो दिस हॉल इज फ्रॉम नायका एंड मिंत्रा। दोनों में कुछ ऑफर्स एंड सेल चल रही है, अभी भी चल रही है, तो मैंने भी कुछ लिया है। वैसे आपको इरिटेटिंग साउंड जो आ रहा है ना, वो पास में जो फ्लैट बन रहा है, दिन रात काम चल रहा है। सो या आई एम जस्ट मैं शूट करने बैठ गई एंड साउंड चालू हो गया, फिर मैं बैठ गई, सोच रही थी कि ये बंद होगा, फिर चालू हो गया। सो आई हैव टू कैरी ऑन, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट इरिटेटिंग साउंड। वेल तो क्या क्या चीज़ें मैं लेकर मैंने ख़रीदा, मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शो यू इज़ लॉरियल पैरिस ले बॉरे ब्लश, या ये वाला। एंड दिस इज इन द शेड, क्या है इसका शेड नाम, खोल के देखती हूँ। दिस इज सिटी एक्सप्लोरर 08, सिटी एक्सप्लोरर 08। मैं इसके ऊपर रिव्यू करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको लिया। एंड लॉरियल पैरिस में काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, लाइक 50% ऑफ चल रही थी एंड मैंने इसको लिया है। दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड, मैंने ऑलरेडी यूज़ भी कर लिया है मेरे सिमसम वीडियो के लिए, एंड मैंने देखा है सो पिगमेंटेड एंड सो नाइस। दिस हैज़ शिमर, लाइक मैं दिखाती हूँ आपको, लिटिल बिट शिमर है, लाइक कैन यू सी हाउ गॉर्जियस दिस इज, लाइक वार्म रोज काइंड ऑफ कलर शेड। दिस इज आई रियली लाइक दिस वन। एंड मैं एक ना लाइक पार्टी लुक या कुछ वेडिंग लुक क्रिएट करने वाली हूँ, एंड वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ, एंड प्रॉबेबली आई विल बी डूइंग विद लॉरियल पैरिस। एंड नो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर और पीआर, सब कुछ मैंने अपने पैसों से खरीदा है। वेल देन दिस वन इज फ्रॉम द लॉरियल पैरिस इनफेलिबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन। मैंने शेड 103 लिया है, दिस इज नेचुरल बफ। मैंने सोचा था कि इसे दो दिन पहले ही मुझे मिल गया था कि मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज सो डार्क फॉर माई स्किन, लाइक आई हैव टू लाइक ऑर्डर समथिंग लाइटर देन दिस वन। तो दो शेड्स मेरे पास आ जाएगा। एंड या दिस गेट्स ऑक्सीडाइज वेरी फास्ट, लाइक दो मिनट के अंदर ये ना दो टू टोन क्या थ्री टोन्स शेड डार्क हो जाता है। लाइक अगर आपको लेना है, अगर आपको इसको लेना है, देन प्लीज़ आपका जो शेड है ना, जो ओरिजिनल शेड आपको लगता है, उससे एक या दो शेड लाइटर ले लो। मैं पहले से कह देती हूँ, मैं इसका रिव्यू नहीं किया है, बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। सो यस, दिस इज़ द सेकेंड वन, ये नया वाला प्रोडक्ट है लॉरियल पैरिस की। एंड लॉरियल पैरिस की एक्चुअली 50% ऑफ चल रही थी, तो मैंने उसको लिया है 499 रुपीज़ में। एंड मैंने मेरे पास लॉरियल पैरिस का या बेस मशीक प्राइमर भी नहीं है, तो क्योंकि वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ, तो मैंने इसको भी लिया है। सो यू नो हाउ दिस क्वाइट ट्रायल एंड टेस्टेड प्रोडक्ट, आई नो, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मेरे लिए एकदम ब्रांड न्यू है। सो दिस इज़ द वन, अभी तक मैंने इसको नहीं लगाया है। या सो ये वाला, एंड एक्चुअली इस नायका में ना कुछ ऑफर चल रही थी, लाइक दो प्रोडक्ट लोगे फेस प्रोडक्ट तो आपको एक चीज़ फ्री में मिलने वाली थी, तो ये दोनों लेने पर मुझे ना ये वाला प्रोडक्ट फ्री में मिला है, जो मेरे काम के तो नहीं है। बार्बर क्लब लॉरियल मेन एक्सपर्ट, ये एनरिच विथ सेडरवुड एसेंशियल ऑयल, ये लड़कों का काम का चीज़ है। तो इसका स्मेल अच्छा है, एक्चुअली इसका स्मेल अच्छा है, बॉटल में आप लोगों को दिखा देती हूँ। लाइक मेरे हस्बैंड तो क्लीन शेव ज़्यादातर के रखते हैं, ये कुछ इस तरह से है। एंड देखती हूँ इसका खोल के कैसा है ये, ओ इट्स जेल बेस्ड, अच्छा ये पूरा जेल बेस्ड है, बाप रे बाप स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी को देना पड़ेगा, शायद मैं अपने किसी को दे दूंगी, लाइक Someone has to take this. तो यह दिस वन इज अ फ्री प्रोडक्ट, लेकिन अच्छा इसका इसका प्राइस कितना है, 499 रुपीज, गुड। इसके बाद और एक चीज मैंने लॉरियल पैरिस की ली है, वो है लॉरियल पैरिस ल्यूसन मजीक ब्लश ऑफ लाइट, या ये दूसरा ब्लश है, इज द सेकेंड वन।
एंड ये पुराना वाला ब्लश है लेकिन मेरे पास नहीं था, अगेन मैंने इसको लिया है, तो ये कुछ इस तरह से है। But the shade is so gorgeous. मैंने इसे भी यूज़ किया है, so this is one. It's a beautiful one. पता नहीं कि किसको मैं लगाने वाली हूँ या comparison उसके साथ करने वाली हूँ, कुछ ना कुछ मैं videos डालने वाली हूँ इन blushes को लेके अलग से, because you people need to know. I think I will be actually doing a comparison video. Like commit तो नहीं कर सकती, but I think it will be a very good to see whether this is better, the older one or the newer one. So yeah, I think this is a very good video for my next concept. Okay, then Maybelline का ये Fit Me मैंने लिया है light 15 में, ये Fit Me का loose powder, इसे भी मैंने already एक दिन use किया है, so that I can see. Oh my god, this is such a good loose powder. This reminds me of Huda Beauty. कभी ना कभी मैं Huda Beauty का भी loose powder ले लूँगी, because सब कहते हैं कि उसका भी loose powder बहुत अच्छा है, but this one is so good. मैंने कितने लोगों को देखा है कि use कर रहे हैं. By the way, L'Oreal Paris की चीज़ें लेने पर मैंने like दो तीन बार अलग अलग स्टेप से लिया है. मुझे ये L'Oreal Paris की Infallible Setting Spray भी फ्री में मिला. Yes, 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 you guys are right. Like ये भी फ्री में मिला, ये भी फ्री में मिला, लेकिन अलग अलग like ऑर्डर प्लेस करने पर. एंड या दिस इज ऑल्सो आई थिंक L'Oreal Paris. यस, ये नेल पॉलिश जो मेरे उंगली में आप देख रहे हो, ये भी फ्री में मिला है. मीशा रो रही है फाड़ फाड़ के. वो आना चाहती है आई थिंक समथिंग. तो ये तो मेबेलिन की जो लिपस्टिक्स है मैंने लिया है, वो देखिए किस तरह से वो रो रही है. ये दो लिपस्टिक्स मैंने लिया है एंड ये मेबेलिन का है एंड एक है क्ले क्रश, ये वाला क्ले क्रश, एंड ये एक लेने पर एक फ्री में ऑफर चल रहा था. दिस इज द शेड क्ले क्रश, ये एक न्यूट शेड है, अच्छा सा शेड फ्री में दिया है. एंड ये वाला मैंने लिया है क्योंकि टच ऑफ स्पाइस, मेरे पास टच ऑफ स्पाइस नहीं था. कैन यू बिलीव लाइक आई डोंट हैव टच ऑफ स्पाइस बट नाउ आई हैव. तो ये है दूसरा वाला, दिस इज द शेड टच ऑफ स्पाइस. ओके, नेक्स्ट इज है ये वाला एंड दिस इज फ्रॉम मेबेलिन अगेन, एंड मेबेलिन का एलिस प्लस ओलिविया, उसका जो मस्कारा है इसे लाइक जब आया था तब मैंने नहीं लिया था. एंड मस्कारा तो आपको पता है 6 मंथ्स के बाद वो लाइक क्या कहते हैं उसको, एक्सपायर हो जाता है. सो आई टुक दिस मस्कारा एंड मुझे L'Oreal की एंड मेबेलिन की मस्कारा सबसे अच्छा लगता है. सो आई हैव दिस एंड दिस पैकेजिंग एक्चुअली लुक्स वेरी क्यूट, तो इसके लिए मैंने ये मस्कारा लिया है. नेक्स्ट मैंने लिया है L'Oreal की ये कंसीलर एंड दिस इज इन द शेड आई थिंक 312 ये वाला. फिर मैंने लिया है L'Oreal की ट्रू मैट सुपर ब्लेंडेबल परफेक्टिंग पाउडर, तो ये वाला पाउडर मैंने लिया है. वो ये है उसका शेड, अच्छा सा पफ है. हाँ, तो क्यूट वन एंड दिस हैज दिस मिरर आल्सो. फिर मैंने फिट मी ब्लशर यूज लिया है, मेरे पास पहले से मेबेलिन का ब्लशर है लेकिन फिट मी वाला ब्लशर नहीं है. सो आई गॉट दिस वन, दिस इज इन पिंक एंड 0, या दिस इज 30 शेड 30 के समथिंग रोज आई थिंक, एंड थोड़ा सा ग्लिटर है बट ब्यूटिफुल सा शेड है, लाइक रियली नाइस गॉर्जियस वाला शेड है, लाइक वेरी पिगमेंटेड ऑल्सो. तो ये वाला, इसमें अच्छा सा डील चल रहा है यार. आपको अगर मेबेलिन या L'Oreal से कुछ लेना है तो दिस इज द टाइम टू टेक. अगेन L'Oreal Paris की ये आई शेडो पैलेट मैंने लिया है. अगेन आई हैव टू लाइक टू अ वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल, तो आई शेडो पैलेट तो चाहिए. मिनी आई शेडो पैलेट है, कलर्स आर क्वाइट नाइस एंड गॉर्जियस. मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है, जिस दिन वन ब्रांड करूँगी तो उसी दिन मैं इससे लेकर कोई करने वाली हूँ. एंड या इसका स्टिकर भी रिमूव नहीं है, लेट मी सी द स्टिकर, लेट मी रिमूव द स्टिकर एक्चुअली.
नायका का वो बड़ा सा बॉक्स जो आता है ना, मैं उसको फेंक देती हूँ क्योंकि मुझे सैनिटाइज करना पड़ता है हर एक प्रोडक्ट को। मैं सैनिटाइज करती हूँ, उसके बाद मैं सन के अंदर 24 आवर्स रखती हूँ प्रोडक्ट्स को, फिर मैं मतलब अपने ड्रायर में रखती हूँ। सो दीज आर द शेड्स, लेट मी सी हाउ दिस शेड्स आर एक्चुअली। वाओ, दीज आर वेरी क्रीमी एंड क्वाइट स्मूथ। ये चार शेड मैंने लिया है, स्पेस कहाँ पे है, यहाँ पे कर लेती हूँ, 1, 2, 3। वाओ, 4 यार, ये तो अच्छा सा पिगमेंटेशन है, काफ़ी अच्छा है। एक ही रह गया ये क्रीम वाला, उसे क्यों छोड़ूं। वाओ, सो नाइस द शेड्स आर। कुछ ब्राइडल वाइडल वाला इफेक्ट आ रहा है ये शेड्स को देख के। अच्छा सा पैलेट है, आई थिंक इट विल लुक गुड और नाइस। बाय द वे, आज का जो ये आई मेकअप देख रहे हो ना, ये ब्लू हेवन की वो छोटा सा जो है आई शेडो पैलेट, उसको लेकर मैंने किया है। ट्रांजिशन शेड भी वहीं से लिया है। एंड एक्चुअली वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे नीचे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है दोनों आईज में, तो नीचे काजल वगैरह मैं कुछ नहीं लगा सकती, तो दैट इज़ रीज़न आई एम वेटिंग एक्चुअली। एंड अब मिंत्रा से मैंने कुछ चीज़ें लिया है, मिंत्रा से मैंने मिलानी के कुछ चीज़ें लिया है। दिस इज़ द मिलानी ब्रॉन्जर, एंड आज यही ब्रॉन्जर एक्चुअली मेरे फेस में मैंने लगाया है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी। एंड दिस इज ग्लो पिक ब्रॉन्जर। इनिशियली ये जब आया था ना, मुझे लग रहा था दैट मेरे स्किन पे ये अच्छा नहीं लगेगा, दिस इज लाइक दिस विल लुक गुड फॉर वेरी फेयर स्किन टोन पीपल, लेकिन ये आता है दिखता है, लाइक दिस ब्रॉन्जर एक्चुअली इज विजिबल। सो या इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी गॉर्जियस लुकिंग कलर एक्चुअली, इट्स वेरी वेरी गॉर्जियस एक्चुअली। लाइक शिमरी है, बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं है, बट इट लुक्स इट्स लाइक अ ग्लोई काइंड ऑफ अ ब्रॉन्जर। अगर आपको उस तरह का ब्रॉन्जर पसंद है ना, देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट आई लाइक इट। फिर मैंने लिया है मिलानी का ये फाउंडेशन, एंड दिस इज मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन, एंड दिस इज इन द शेड 02 नेचुरल या 02 नेचुरल। इस शेड में मैंने लिया है, दिस अ परफेक्ट मैच फॉर माई स्किन टोन, आई रियली लाइक दिस। नेक्स्ट मैंने मिलानी का ये आई शेडो पैलेट लिया है। ओ माई गॉड, दिस इज सच अ गुड आई शेडो पैलेट, लाइक इतना अच्छा आई शेडो पैलेट है, इतना अच्छा पिगमेंटेशन है, वॉर्म टोन कलर्स है, वेरी नाइस। एंड ये ब्रश भी काम आता है। यस, यस्टरडे मैंने एक शूट किया था वीडियो, तो उसके लिए मैंने इसको यूज़ किया था। फिर मैंने मिलानी का ब्लश भी लिया है, दिस इज़ इन द 05 लुमिनेसो। लाइक सबको पता है ये, लोग कहते हैं इट्स अ ड्यूप, लाइक द ड्रगस्टर ड्यूप ऑफ नास ऑर्गेजम। आई डोंट हैव नास ऑर्गेजम, सो आई कैन नॉट टेल यू इफ इट्स रियली अ ड्यूप और नॉट, बट ये कलर इंडिविजुअली बहुत ही अच्छा है, लाइक इट्स वेरी ब्यूटिफुल। रोज गोल्ड पीची काइंड ऑफ अ कलर है, अच्छा सा शेड देता है, लाइक हल्का सा लाइक शिमर ही नहीं है, बट इट्स सैटनी एंड इट्स ग्लोई, इट्स वेरी ब्यूटिफुल शेड, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। फिर मैंने मिलानी का ये और एक चीज लिया है, एंड दिस इज द स्ट्रोब लाइट 01 आफ्टर ग्लो, एंड अगेन दिस इज अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर, बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। लाइक मेरे पास अभी कोई हाइलाइटर वाला ब्रश नहीं है, नहीं तो मैं इसको नोज़ में थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ फिर से, एक नोज़ में है, बहुत ही खूबसूरत सा सुंदर सा हाइलाइटर है, लाइक आफ्टर ग्लो बहुत अच्छा है, आप लोग एक बार लेकर दे सकते हो। और एक चीज़ मैंने जो नायका से लिया है, पंडोरा के बॉक्स से अभी निकल के आया है, दिस इज़ द मेबिलिन्स मास्टर क्रोम हाईलाइटर। लाइक मेरे पास जो रोज़ गोल्ड वाला वो पहले से ही था, एंड ये जो मॉल्टन गोल्ड वाला ये मेरे पास नहीं था। पार्टी बेच है ओके, तो ये वाला इसको मतलब क्या कहूँ, ये शायद सबके पास है, मेरे पास ही नहीं था। आई वॉज लाइक आई एम अ ब्यूटी ब्लॉगर एंड डोंट हैव दिस हाईलाइटर, आई हैव टू गेट इट। लेकिन सबर का फल मीठा होता है, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिला है, काफ़ी अच्छा। सो दिस इज द हाइलाइटर, यस मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये हाइलाइटर मिलके। फिर मिलानी का और एक चीज़ मैंने लिया है, दैट इज़ देयर ट्रांसलूसेंट बनाना पाउडर 03, एंड अगेन इसमें काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था, अभी भी चल रही है लाइक मिंत्रा में, तो ये बनाना पाउडर है।
इसके बाद लॉरियल की ओ और एक चीज लॉरियल का आ गया, ब्राव आर्टिस्ट जीनियस किट एंड यस, इसको भी मैंने ऑलरेडी कल यूज किया है एंड अगेन आई मस्ट से दिस अ वेरी गुड किट, आप देख सकते हो। एंड एक्चुअली मैंने इसी ब्रश को यूज किया है जस्ट टू सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। लिटिल डिफिकल्टी होती है क्योंकि साइज छोटा है, बट द क्वालिटी ऑफ द ब्रश इज गुड। लाइक अगर आप भूल गए, लाइक कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, घूमने गए हो एंड ये कैरी कर रहे हो, ये ब्रश आपका मतलब ऐसा नहीं दैट यू कैन नॉट वर्क विद दिस वन ब्रश। ओ लॉरियल की और एक चीज मैंने लिया है, दैट इज द ब्रॉन्जर, बैक टू ब्रॉन्ज एंड दिस इज द ब्रॉन्जर। मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है सो आई रियली कैन नॉट कमेंट एंड आई कैन नॉट से हाउ गुड दिस वन इज। दिस इज द ब्रॉन्जर। मिलानी का लिपस्टिक मैंने लिया है एंड एक ही लिपस्टिक मैंने लिया है, मैं चाहती कुछ और लिपस्टिक ले लूँ एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल शेड, एक्चुअली शेड नंबर 43 प्रिटी नेचुरल इस शेड का नाम है एंड इट्स काइंड ऑफ अ पिंक बेस्ड शेड। निशा आ गई है एंड लास्ट चीज है मिलानी का ये स्टे पुट ब्राउ, खोल लेती हूँ देखती हूँ। तो ये है मिलानी का वो आईब्राउ पेंसिल एंड देखती हूँ कैसा है ये, कैसा कलर है। अच्छा है, लाइक मेरे आईज के लिए काफी अच्छा है, ब्राउन शेड है बट कोई इसके साथ शार्पनर नहीं मिला। लाइक मेरे पास शार्पनर है बट मिलानी इज कॉस्टली, मिलानी इज ड्रग स्टोर ब्रांड बट इट इज वेरी कॉस्टली। ओ और एक चीज मैंने नायका से लिया है, मैं भूल गई, दिस इज न्यूट्री ग्लो स्पा हेयर एसेंशियल, ये बड़ा सा टब। एक्चुअली मैं लॉरियल पेरिस की स्पा ज़्यादा यूज करती हूँ तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना मैं कोई और ब्रांड की ट्राई करूँ। तो न्यूट्री ग्लो की बहुत से प्रोडक्ट्स मैं एक्चुअली सिमसिम में यूज कर रही हूँ एंड मुझे ये ब्रांड काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉकेट फ्रेंडली है, अगेन दे आर इंडियन ब्रांड, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्राई करके देखूँ। तो इसको भी मैंने नायका से लिया है, ये मसाज क्रीम है, लाइक बिफोर टेकिंग योर शावर, लाइक वॉशिंग योर हेयर विद शैम्पू यू कैन यूज दिस एंड हेयर स्पा काइंड ऑफ अ थिंग। तो यस इसको मैंने लिया, बहुत बड़ा डब्बा है लेकिन इसका प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, लाइक हाउ मच दिस कॉस्ट 525 रुपीज़ इसका प्राइस लिखा हुआ है लेकिन आई थिंक आई गॉट इट लाइक फॉर 300 एंड समथिंग, अच्छा डिस्काउंट पे मैंने इसको लिया है। सो ओवरऑल ये चीज़ मैंने मंगवाया है, दिस इज द थिंग्स दैट आई हैव गॉट फॉर माई सेल्फ एंड ये चीज़ें मैं इनको यूज करूँगी, वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी। इनफैक्ट मैं मिलानी की भी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली हूँ, सो या दैट इज़ द रीज़न आई एम कलेक्टिंग थिंग्स। एंड जब सेल चलती है तो अच्छा लगता है क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स मिलती है एंड यू हैव टू पे लेस फॉर दैट। दैट इज़ इट, लाइक आई थिंक यू हैव एन्जॉय दिस वीडियो एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया डियर देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन इज़ फ्री, शेयर करना चाहते हो तो शेयर करना, लाइक देना चाहते हो तो एक लाइक दे देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। सिमसिम के साथ मैं काम करती हूँ, अगर आपको कुछ खरीदना है सिमसिम ऐप से तो आप मेरा डिस्काउंट कूपन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है Meghna10 तो 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। इट्स ऑल अबाउट दैट, यस गाइस आई एम गोइंग टू मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।